प्रमेय पांच, एस ए एस, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए बच्चों, हम प्रमेय पांच को समझने की कोशिश करते हैं। प्रमेय पांच हमें दो त्रिभुजों के समरूप होने के बारे में बात करता है। कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज के बारे में आपने जो कुछ अभी तक जाना वो ये है, यदि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और दूसरी शर्त ये है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि लागू होती है, दोनों में से यदि कोई भी शर्त लागू होती है तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या इनके अलावा समरूपता की कुछ और भी शर्तें हो सकती हैं, ये हमें देखना है। तो यहाँ यही बात हमें प्रमेय पाँच के रूप में दी गई है। इसे हम एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय कहते हैं। आप देखिए, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, या एस ए एस आप संक्षेप में कह सकते हैं। तो भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय जो है ये एक और परिस्थिति पर हमें हमारे सामने रखता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ जो दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं ए बी सी और डी ई एफ, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि दो कोण बराबर हैं, यानी पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण डी के बराबर है। ये इस शर्त को पूरा करता है कि दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर है। और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं, इस कोण को बनाने वाले भुजा एक तो ए बी है और ए सी है, वैसी इसके बराबर डी कोण को बनाने वाले भुजा डी ई और डी एफ है। तो ये हमें कहता है कि ए बी और डी ई का अनुपात ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर है, यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ये भी हमें दिया हुआ है। और एक चीज़ और है, ये कहता है कि जो अनुपात है वो एक से छोटा है, यानी ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली जो भुजा है वो नीचे की भुजा से छोटी है। तो ए बी छोटा है डी ई से या ए सी छोटा है डी एफ से, यानी ए बी सी जो है छोटा त्रिभुज है बनिस्बत डी ई एफ के। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम आगे चलें। तो बच्चों, हम आपको पहले ये बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज के सर्वांग से हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर होगी, और फिर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा कुछ आगे और काम करेंगे। तो देखिए, हम भुजा डी ई और डी पी में दो बिंदु पी और क्यू इस तरह से चुनते हैं कि डी पी की लंबाई ए बी के बराबर हो जाए और डी क्यू की लंबाई ए सी के बराबर हो जाए। माने जितनी बड़ी भुजा ए बी है उतनी बड़ी भुजा आपको डी पी के रूप में यहाँ पर मिलेगी, और जितनी लंबाई ए सी की है ठीक उतनी लंबाई का डी क्यू आपको मिलेगा। यानी आप एक कोण यहाँ पर बराबर कर रहे हैं, ये तो दिया हुआ है, और यहाँ पर इस भुजा के बराबर इस भुजा की रचना यहाँ कर रहे हैं, और इस भुजा के बराबर एक भुजा यहाँ ले रहे हैं। और रचना करते समय हम कहेंगे कि P और Q को हमने मिला दिया, P और Q का पहले चयन किया फिर दोनों को मिला दिया। ऐसा करने से एक छोटा त्रिभुज अंदर में और बनता है DPQ जो ABC के सर्वांग सम है। सर्वांग समता की शर्त आपको मालूम है कि किन्हीं दो त्रिभुजों का एक कोण और उसको कोण को बनाने वाले दोनों भुजाएं यदि दोनों त्रिभुजों में समान हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरह से हमने एक सर्वांग सम त्रिभुज की रचना यहाँ पर कर ली। अब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जरा, चूँकि ए बी के बराबर डी पी है और ए सी के बराबर डी क्यू है, तो त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू सर्वांग सम, इस कथन को तो हम पहले लिख लें। लिखें हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी क्यू के। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। ए बी सी और डी पी क्यू, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है, ये मान लीजिए हमने कथन एक के रूप में सुरक्षित रख लिया। अब आगे चलें हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ए बी और डी ई का जो अनुपात है वो ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर, ये हमें दिया हुआ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, हम इस कथन को फिर से लिखते हैं। ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अब चूँकि
ए बी के बराबर हमने यहाँ पर डी पी की रचना की है, तो ए बी को हम रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे डी पी से, तो ए बी की जगह हम लिखेंगे डी पी, फिर बटे हो गया डी ई बराबर ए सी के बराबर हमने रचना की है डी क्यू की, तो है ए सी के बदले हम लिखेंगे डी क्यू बटे डी एफ। अब आप देखिए एक नई स्थिति बन रही है, अब हम पूरी तरह से इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ डी पी बटे डी ई है और डी क्यू बटे डी एफ है, और ऐसा कहने पर आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नज़दीक पहुंचते हैं, और यदि किसी त्रिभुज में इस तरह का एक अनुपात आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि जो भुजा पी क्यू है वो ई एफ के समांतर होगी। तो इसका परिणाम आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, और ये आपको मिल रहा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। यहां तक जो प्रयास आपने किया उसके माध्यम से आपने इस रचना जो पी क्यू रेखाखंड है उसको आपने ई एफ के समानांतर सिद्ध किया, और जब ये दोनों समानांतर हो गई तो आप देखिए इनको एक तिरक रेखा डी ई काट रही है, उसकी वजह से ये जो कोण है कोण पी कोण ई के बराबर होगा, और ठीक इसी तरह से यदि इन समांतर रेखाओं को डी एफ तिरक रेखा काट रही है तो ये जो कोण बन रहा है क्यू वो कोण एफ के बराबर होगा। तो इस परिणाम को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ। अब चूंकि ए बी सी और डी पी क्यू दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, तो इनके सभी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर आपने जो कोण पी लिखा है वो कोण बी के बराबर होगा और कोण क्यू कोण सी के बराबर होगा, तो यहाँ जो आपने कोण पी लिखा है उसके जगह पर आप कोण बी लिखेंगे तो आपको मिलेगा कोण बी बराबर कोण ई, और उसी तरह से आपको मिलेगा कोण क्यू के जगह आप लिखेंगे कोण सी तो यहाँ पर मिलेगा कोण सी बराबर ये कोण एफ। आप देख लीजिए क्या किया आपने, पहले आपने इस त्रिभुज के बारे में बात की और इन दोनों के समांतर होने के कारण आपने कहा कि ये और ये दोनों बराबर है संगति कोण, और ठीक इस तरह से क्यू और एफ को भी आपने बराबर किया, ये भी संगति कोण है, और चूंकि पी बी के बराबर था और पी ई के बराबर है तो आपने क्या किया कोण बी को कोण ई के बराबर लिखा कोण बी बराबर कोण ई, और ठीक इसी तरह से चूंकि कोण क्यू कोण एफ के बराबर है और कोण क्यू कोण सी के बराबर भी था तो आपने लिखा कोण सी और कोण एफ दोनों बराबर हैं, यानी आप फिर से इन दोनों त्रिभुजों में आ गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में आपने कोण बी को कोण ई के बराबर किया और कोण सी को आपने कोण एफ के बराबर किया, तो आप देख रहे हैं कोण ए और कोण डी पहले से बराबर दिए हुए थे और आपने कोण बी को कोण ई के बराबर किया और कोण सी को कोण एफ के बराबर किया, यानी इस त्रिभुज ए बी सी का प्रत्येक कोण त्रिभुज डी ई एफ के क्रमशः अपने संगत कोणों के बराबर हो गया। तो ये वो पहली परिस्थिति बन गई जिसके आधार पर आप कह सकते थे कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस तरह से आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया और यही आपका प्रमेय 5 था।